Hello and welcome to my English class. Today I am going to tell you summary of lesson 2, The Friendly Mongoose. This story is given in your A Pact with the Sun book in lesson number 2. Children, do you know what is mongoose? Mongoose means nevla. और मोंगूस और स्नैक की स्टोरी बहुत फेमस है. आप लोगों ने शायद मोंगूस और स्नैक की स्टोरी वीडियो में देखी भी होगी और पढ़ी भी होगी. सो टुडे वी विल नो अबाउट द स्टोरी ऑफ फ्रेंडली मोंगूस. दिस स्टोरी स्टार्ट इन अ विलेज. सो इन अ विलेज फार्मर हिज वाइफ एंड दे वर हैविंग वन सन. They were living in a village. तो farmer, उनकी wife और एक उनका बेटा सभी लोग एक गांव में रहते थे. So farmer told to his wife that they must have a pet animal at their home. Farmer अपनी wife को बोलता है कि उनके घर में एक pet animal होना चाहिए. Wife को भी पसंद आता है उसकी बातें. वो भी एग्री करती है कि यस वी मस्ट हैव अ पेट एनिमल. एंड देन वन इवनिंग फार्मर ब्रॉट अ बेबी मोंगूस टू देयर होम. फार्मर एक बेबी मोंगूस, छोटा सा मोंगूस का बच्चा लेके आता है अपने घर पे. एंड ही टोल्ड दैट व्हेन दिस मोंगूस विल ग्रो अप ही विल बिकम कंपेनियन टू आवर सन. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड. He will become friend of our son. वो बोलता है कि वो हमारे बच्चे का दोस्त बन जाएगा. So after 3 to 4 month, mongoose grow into a big size. थोड़ी दिनों में mongoose बड़ा हो गया. But farmer baby was still in the cradle, crying and sleeping. फार्मर का बेबी अभी भी क्रेडल में ही है, झूले में ही सो रहा है. कभी रोता है और कभी सोता है. और बेबी मोंगूस क्या है, अब वो बड़ा हो गया है. एंड दैट बेबी मोंगूस वॉज हैविंग ब्लैक आईज एंड बूशी टेल. जब बेबी मोंगूस बड़ा हो जाता है तो उसकी आंखें बहुत ही शाइनिंग होती है. उसकी आंखें ब्लैक, शाइनिंग ब्लैक आईज. ही वॉज हैविंग शाइनिंग ब्लैक आईज एंड बूशी टेल. और उसका जो टेल होता है वो बहुत ही बूशी होता है, फरी होता है. देन वन डे फार्मर्स वाइफ डिसाइडेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की वाइफ सोचती है कि उसको मार्केट जाना है. एंड सी टोल्ड टू हर हस्बैंड दैट यू टेक केयर ऑफ द बेबी बिकॉज लिटरली She don't believe on animals. वो उस एनिमल पे बिलीव नहीं करती है. जबकि फार्मर को पूरा बिलीव है मोंगूस पे, लेकिन उसकी वाइफ बिलीव नहीं करती है. इसलिए वो बोलती है कि वो मार्केट जा रही है और फार्मर उसकी बेबी को अच्छे से देखभाल करे उसको. सो इतना बोल के वाइफ घर से बाहर चली जाती है, एक बैग उठाती है और मार्केट चली जाती है. फार्मर वॉज हैविंग नो वर्क टू डू. ही ऑल्सो वेंट टू फील्ड. एंड आफ्टर फील्ड ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस. वो फार्मर के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो अपनी वाइफ की बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो खेतों की तरफ चला गया. अपने खेतों में थोड़ा सोचा कि देखा है. और उसके बाद वहां से वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ चला गया और वहीं पे वो रह गया, बातें करता रह गया. आफ्टर सम टाइम व्हेन फार्मर्स वाइफ रिटर्न बैक टू हर होम देन सी सॉ दैट मोंगूस वॉज सिटिंग एट द डोर एंड वेटिंग फॉर हर. जैसे वो रिटर्न आती है मोंगूस को देखती है कि वो डोर पे बैठा है और वेट कर रहा है. और जैसे वो आती है कि मोंगूस दौड़ के उसके पास पहुंच जाता है. जैसा कि आपके घर में अगर पेट एनिमल है, अगर
अगर कोई डॉग या कैट आप पाल रखे हैं तो आप बाहर जाते हैं और जब बाहर से वापस घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो आपका पेट है वो बिल्कुल आपका वेट करता रहता है, डोर पे बैठा रहता है, वेट करता रहता है। तो वैसे ही मोंगूस भी वेट कर रहा था और जब फार्मर की वाइफ वापस आती है तो मोंगूस दौड़ के उसके पास चला जाता है। When farmer's wife saw that mongoose face was smeared with blood, smeared means sprayed on his face, means on mongoose face and paws were full of blood. Mongoose ke face aur paws pe pura blood laga hua tha. और तब जब फार्मर की वाइफ देखती है कि मोंगूस के फेस और पॉज पे ब्लड लगा हुआ है तो वो फट से कंक्लूजन ये निकालती है कि इसने जरूर उसके बेबी को कुछ मतलब बेबी को काट लिया है, ऐसा कुछ गलत किया है उसके साथ। और वो फिर जोर से चीखती है और व्हाट सी डन, सी वाज होल्डिंग अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी आइटम। उसके हाथ में बास्केट था जो कि ग्रोसरी आइटम से भरा हुआ था एंड सी हिट द मोंगूस विद दैट बास्केट। वो जब फार्मर की वाइफ देखती है कि मोंगूस के फेस और पोज पे ब्लड लगा हुआ है, पोज यानी कि पंजा, पंजा पे ब्लड लगा हुआ है, तब वो सोच लेती है कि मोंगूस ने उसके बेबी को काट लिया है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। सी बिकेम एंग्री एंड सी हिट द मोंगूस विद हर बास्केट। जैसे वो हिट करती है मोंगूस को, मोंगूस वहीं पे गिर जाता है एंड देन सी रन इनसाइड द हाउस एंड व्हाट शी सॉ देयर, अ बिग स्नैक वाज लाइंग ऑन द फ्लोर एंड इट वाज टॉर्न आउट। एक बड़ा सा स्नैक फ्लोर पे था और वो बीच से मतलब उसको मोंगूस ने काट दिया था, पीस पीस कर दिया था एंड हर बेबी वाज सेफ इन द क्रैडल। और उसका जो बेबी था अभी भी झूले में आराम से सो रहा था। देन सी रिमेम्बर इन द पास्ट, सी थॉट अबाउट द पास्ट व्हाट सी हैड डन विद द मोंगूस। वो सोचती है मोंगूस के बारे में कि उसने क्या किया मोंगूस के साथ, उसने तो मोंगूस को मार दिया जबकि मोंगूस ने उसके बच्चे को बचाया था स्नैक से। Then she quickly ran outside the house and came near mongoose and started to cry. But it was all useless because mongoose was dead. वो दौड़ के आती है घर के बाहर और मोंगूस को पकड़ के रोने लगती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था रोने का क्योंकि मोंगूस वॉज ऑलरेडी डेड। एंड आफ्टर सम टाइम सी हर्ड हर चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग एंड देन सी वेप्ट हर टीयर एंड वेंट इनसाइड द हाउस। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसके बच्चे की आवाज उसको आती है रोने की तो फिर वो अपनी आंसू पोंछते हुए अपने घर में बच्चे के पास चली जाती है एंड इन दिस वे दिस स्टोरी एंड। थैंक यू।